हर एक नीट एस्पायरेंट का जो ड्रीम होता है कि कोई एक अच्छा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर सिलेक्शन लेना, मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया है। 16 फरवरी को वेस्ट बंगाल राउंड वन मेडिकल काउंसिलिंग का रिजल्ट पब्लिश हुआ था 14 फरवरी को, एंड उसके बाद मैं 15 फरवरी को मेरा बॉन्ड बनाया, जो कोर्ट में 1 लाख का बॉन्ड बनाना पड़ता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। एंड उसके बाद 16 फरवरी को मेरा एडमिशन हो गया है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज पर। तो अब तक मैं पूरा जो पहला का जितना वीडियो है उसमें मैं सिर्फ मेरा नीट का रैंक एंड मार्क्स बता रहा था, एंड आज से मैं मेरा एक कॉलेज का नाम बता सकता हूँ कि हाँ, मैं कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक फीलिंग्स आ रहा है मुझे ये बोलने में, ठीक है। तो 16 फरवरी को मेरा एडमिशन हो गया है, एंड आज का वीडियो उसको लेकर ही है कि मेरा फर्स्ट दिन जो है वो कैसा रहा। कि फर्स्ट दिन तो बहुत ही हेक्टिक रहता है, बहुत ही बिजी रहता है, कि इसलिए ऐसा नहीं कि मैं पूरा ब्लॉग टाइप का कुछ बना पाया, ऐसा नहीं बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मतलब मैं 11:30 से मेरा एडमिशन का प्रोसीडियर शुरू हुआ एंड 4:30 तक चला एडमिशन का प्रोसीड्योर। इतना लॉन्ग है एडमिशन प्रोसीड्योर। थोड़ा थोड़ा करके मैं एक दो पार्ट कॉलेज का क्लिक कर पाया, वीडियो है, थोड़ा थोड़ा फोटो है, तो वो मैं इसके वीडियो में डाल दूंगा एंड उसके साथ मेरा वॉयस दे दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो है मेरा कॉलेज में फर्स्ट दिन कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ये जो टी शर्ट तुम देख रहे हो ना, ये बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लाकी टी शर्ट है। क्योंकि मेरा जो 12 सितंबर 2021 में नीट हुआ था, नीट 2021 में मैं ये पहन के ही नीट देने गया था, एंड मुझे तब से ही इस पर मतलब इसको बहुत लाकी लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं आज जो मेरा कॉलेज का पहला दिन का एक्सपीरियंस हुआ, वीडियो ये पहन के ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे लिए बहुत ही लकी है कि ये नीट दे रहा था एग्ज़ाम के टाइम पे, सिर्फ मैं और मेरे साथ, ये ड्रेस मेरे साथ था और कोई नहीं था मेरे लिए। तो इसलिए मुझे इसको बहुत ही अच्छा लगता है, लाकी लगता है, तो इसको मैं संभाल के रखूँगा पूरा जिंदगी भर, ठीक है। तो चलो आप देख लो वीडियो में कैसा कैसा मैं शूट कर पाया, एंड उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हम लोग 5 AM के आसपास उठ गए थे, एंड उसके बाद नहा धोकर रेडी हो गया, एंड उसके बाद हम लोग निकल गया। 6 AM के आसपास हम लोगों का गाड़ी आ गया, एंड गाड़ी में बैठ के निकल गया हम लोग, क्योंकि बहुत सुबह ही निकलना था। क्योंकि हम लोगों का कॉलेज, मेरा कॉलेज था, मेरा घर से 120 किलोमीटर दूर था, ठीक है। तो तब सनराइज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है सनराइज़, देखो विलेज में ऐसा दिखता है सनराइज़, बहुत ही अच्छा। एंड उसके बाद हम लोग निकल गया, एंड रास्ते में एक दो बार गाड़ी रुका था टिफिन करने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग कलकत्ता के तरफ निकल गया। एंड ये है कलकत्ता का बाली ब्रिज, ठीक है। उधर देखो दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जो है ना, जो टेम्पल दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये है बाली ब्रिज। एंड हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 11:30 लग गया था, ठीक है, क्योंकि हम रास्ते में बहुत ज़्यादा जैम था, तो डर लग रहा था कि टाइम पर पहुँच पाऊँगा या नहीं, देर नहीं तो हो जाएगा ऐसा लग रहा था। तो इसीलिए मतलब पहुँच गया था 11:30 के आसपास। 11:30 के आसपास कॉलेज में मैं पहुँच गया, एंड पहुँचने के बाद देखा कि सामने, कॉलेज के सामने एकदम सीनियर्स बैठे थे, एंड मैं सीनियर के पास गया, एंड उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट सारा चेक करके कॉलेज में जैसे सीक्वेंस चाहिए उस सीक्वेंस में मेरा डॉक्यूमेंट अरेंज कर दिया, एंड मेरा अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट कर दिया, एंड पेमेंट स्लिप मुझे निकल के दे दिया, एंड उसको मैं प्रिंट आउट करके फिर यहाँ पर हम लोगों को बैठाया गया, ठीक है। वो यह है GLT, देखो बहुत ही अच्छा, मतलब कितना ब्यूटीफुल है देखो GLT। मतलब इसके लिए ही लग रहा था कि मैं इतना दिनों से जो ड्रीम था मेरा कि हाँ एक कॉलेज में बैठूंगा ऐसा एक रूम में लेक्चर थिएटर में, वो मेरा मतलब पूरा हेवन लग रहा था मुझे बैठ के यहाँ पर। मतलब क्या ही ब्यूटीफुल नज़र है, देखो तुम लोगों जो जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन ले रहे हो ना, देखो एक बार तुम लोगों को ये ड्रीम लाएगा कि हाँ मुझे भी यहाँ आना है। यहाँ पहुँचने के बाद लग रहा था कि हाँ मतलब मैं जितना मेहनत किया, जितना मुझे मतलब पेन हुआ था, वो वर्थ इट है। आज मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था लेक्चर थिएटर में बैठ के। एंड उसके बाद सीरियल वाइज में हम लोगों का बुलाया जा रहा था प्रिंसिपल सर के रूम के पास में, एक रूम था वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा था, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो HS का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट था उसको कॉलेज में उसको सबमिट करना था, एंड वो कॉलेज में सबमिटेड ही रहेगा, एंड MBBS के बाद मिलेगा वो। और अगर तुमको वो चाहिए तो तुम लोग 1 लाख का बॉन्ड देकर उसको लेना पड़ेगा। तो
ये सारा प्रोसीड्योर होते होते मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, 11:30 के से मुझे प्रोसेस शुरू हुआ था एंड प्रोसेस कंप्लीट होते होते मतलब 4:30 के आसपास लग गया था। तो ऐसा करके पूरा एडमिशन कंप्लीट हुआ एंड मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैं इतना दिनों से जो मेहनत किया था वो आज मतलब सक्सेसफुल हूँ। उसके बाद पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड प्रिंसिपल सर का साइन किया हुआ एडमिशन स्लिप मिल गया एंड ऑफिशियली एडमिशन कंप्लीट हो गया। एंड बाहर आके मैं कुछ फ़ोटो क्लिक किया, देख सकते हो कि कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है एंड मतलब अलग ही फीलिंग्स है इस फोटो को क्लिक करने में। कॉलेज लाइफ का जो पहला फोटो है मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है इसमें जिंदगी का। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से घर के तरफ निकल गया एंड आते आते देखो पूरा आफ्टरनून हो गया। हम लोग सनराइज के टाइम पे निकले थे एंड अब देखो सनसेट हो रहा है एंड बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि सुबह से एकदम 5 AM से स्टार्ट करके अब जब निकल रहा था कॉलेज से तब ऑलमोस्ट 5 PM हो गया था। एंड तब से मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, अब कुछ हुआ ज़िंदगी में। आफ्टरनून में निकले थे कॉलेज से एंड फाइनली घर पहुँचते पहुँचते पूरा रात हो गया था। मतलब हम लोग घर पहुँचे एकदम रात 9:30 के आसपास हो गया था जब हम घर में एंट्री ले रहे थे। एंड रास्ते में हम लोग एक जगह पर रुका एंड फाइनली हम लोग डिनर में बिरयानी खा लिया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ, फाइनली कुछ रिजल्ट मिला एंड उसके साथ एक मतलब बहुत टायर्ड था लेकिन उसके साथ भी बिरयानी डिनर एंड मतलब एक सक्सेस एंड फाइनली एक हाथ में था एक एडमिशन लेटर के हाँ मिल गया। जो मेहनत इतना दिनों से कर रहा था, जो ड्रॉप ईयर्स का जो पेन था, जो मतलब सब कुछ का एक फाइनल कॉन्क्लूसन अब मिला इतना दिन बाद। ठीक है, तो यही था मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। एंड पूरा अच्छे से ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत बिजी था पूरा दिन एडमिशन में। एंड बाद में जब मैं कॉलेज जाऊँगा कोशिश करूँगा पूरा ब्लॉग देने की। आज इतना ही एंड चैनल के साथ बने रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड बने रहना चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।